एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं लेकर आई हूँ कि समर्स में हम किस तरीके से मेकअप कर सकते हैं, क्योंकि समर्स और विंटर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। विंटर में हम थोड़ा सा ऑयली मेकअप लुक लेके चलते हैं, लेकिन समर्स में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा मेकअप हमें नहीं करना चाहिए। तो किस तरीके से हमको मेकअप करना चाहिए समर्स में, तो समर्स के हिसाब से मैं आज मेकअप करने वाली हूँ। बहुत सिंपल है, कोई ग्लिटर आई शेडो मैं यूज़ नहीं करूँगी। आज जैसे डेली वेयर भी नहीं कह सकते, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो उसके लिए हम किस तरीके से तैयार हो सकते हैं, तो आज का मेकअप लुक इसी पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले अपने फेस को तैयार कर लीजिए मेकअप के लिए। इसके लिए आप ड्राई या फिर ऑयली इस हिसाब से आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं निविया का ही यूज़ करती हूँ, लेकिन समर्स में बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र ना लगाएं, मतलब जितना ज़रूरत हो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी नमी होती है उस टाइम पे स्किन पर। तो इस तरीके से अपने फेस को तैयार कर लें। इसके बाद चाहो तो आप सीरम यूज़ कर सकते हो या फिर नहीं भी यूज़ कर सकते हो, कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर नाइट मेकअप कर रहे हो तो आप लगा लीजिए, लेकिन अगर आप दिन में यूज़ कर रहे हो तो आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो। इसके बाद प्राइमर तो ज़रूर लगाएं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ADS का प्राइमर, क्योंकि प्राइमर जो हमारे ऑयल होते हैं उसको कंट्रोल करता है। फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ जो कि है फिट मी का मेबेलिन फाउंडेशन। काफ़ी पॉपुलर फाउंडेशन है क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस पे ये बहुत अच्छा लुक देता है। तो यहाँ पे मेरा शेड है 115, तो इसको हम यूज़ करेंगे। आप चाहो तो फाउंडेशन समर्स में थोड़ा सा कम क्वांटिटी में लें, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन ना लगाएं। तो आप चाहो तो इसे ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर सकते हो या फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें कोई पंप है नहीं तो मैं इस ब्रश की मदद से इसको ले रही हूँ। इसके बाद मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, मेबेलिन का है। मेरा शेड नंबर है 15 फेयर। अगर आपके दाग मतलब डार्क सर्कल हैं तो कंसीलर लगाएं, वरना आप अवॉइड कर सकते हो। तो मैं बहुत हल्का हल्का ही लगा रही हूँ। चाहो तो हाथों से भी लगा सकते हो, इस तरीके से डैब डैब करके ही लगाना है। इसके बाद ये जो कंसीलर है हमें इसी तरीके से डैब डैब करके लगाना है, बिल्कुल रगड़ना नहीं है। अगर आपके डार्क सर्कल अच्छे से हैं, और नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हो कंसीलर। और ऊपर आईलेट पर मैं ये ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर शेड नंबर 1104 सलीम। इसे हम जो फाउंडेशन है उसको ज़रूर सेट करें, क्योंकि अगर बहुत से लोग पूछते हैं हम कॉम्पैक्ट पाउडर क्यों यूज़ करते हैं, वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि अगर हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे वो तो थोड़ी थोड़ी देर में ये निकलना शुरू हो जाता है। तो कॉम्पैक्ट पाउडर इसको सेट कर देता है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है मेकअप। हम इसके बाद मैं ये कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, तो हमें हल्का हल्का यूज़ करना है पूरे फेस पर डैब डैब करके, तो जो भी हमारा फाउंडेशन है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब मैं जो हमारी आई है, अंडर आई एरिया है, उस पर मैं इसी कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज़ कर रही हूँ। इससे हमारी आईज़ बहुत ब्राइट लगेगी। इसके बाद हम अपनी आईब्रोज़ को सेट करेंगे, जिसके लिए आप पाउडर बेस्ड आईब्रो किट लें। और यहाँ पे मैं सिवाना कलर्स का आईब्रो किट ले रही हूँ। और आप चाहो तो नाइट में जेल वाला यूज़ कर सकते हो, दिन में आप चाहो तो अवॉइड करो जेल वाला, आप ये क्रीमी मतलब पाउडर बेस्ड वाला ही लें, तो समर्स में ये थोड़ा सा अच्छा रहता है। और अब जो ये मैंने पूना ब्रश लिया है आईब्रो के लिए, एक एंगल ब्रश है,
तो इसे हम जो भी हमारी आईब्रो की शेप है उसे सेट कर लेंगे। अब आता है आई मेकअप। आई मेकअप मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की किट में, बहुत हल्का सा ब्राउनी वाला ही आई मेकअप करूँगी। यहाँ पे मैं सबसे पहले ये कलर लूँगी। एक स्मॉल ब्रश की मदद से मैं ये बेज जो ऑरेंजिश है उसे अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं ये कलर लूँगी। अब इसके बाद मैंने हल्का सा ब्राउन और रेडिश टच है ये आई शेडो। इसके बाद मैं ये स्विस ब्यूटी की पैलेट में से ये कलर ले रही हूँ, बहुत ही लाइटर शेड है। तो जो मिडिल आईलिड है, फ्रंट वाला एरिया है, उस पर मैंने बहुत लाइट बेज कलर यूज़ किया है। इसके बाद मैं ये डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ, बहुत हल्का सा स्मोकी लुक देने के लिए, मतलब दिन के समय में ये आई शेडो अच्छे लगते हैं। अब मैं आईलाइनर जेल ले रही हूँ, मिस एडीएस का आईलाइनर जेल ले रही हूँ। तो इसे हम आईज पर जेल आईलाइनर आप जो भी यूज़ कर रहे हो वो बहुत अच्छे से लगाएं, उसका शेप बहुत अच्छे से हो ताकि आपकी आईज बहुत अच्छी लगे। अब मैंने इसी ब्रश से लोअर आईलिड पर भी अप्लाई किया है। मैं डबल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, इससे आईज हमारी बहुत अच्छी लगती है और छोटी आईज थोड़ी बड़ी लगती है। तो इस तरीके से हमें अप्लाई करना है और नीचे मैंने ब्राउन आई शेडो लेकर हल्का सा स्मोकी लुक दिया है। अब मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड की वाइट आईलाइनर पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे अगर बहुत ज़्यादा वाइट अगर हो गया। अब इसी के ऊपर मैं लाइट ब्राउन कलर दे रही हूँ ताकि ये वाइट ना लगे बहुत ज़्यादा। अब कॉन्टोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये रिवोल्यूशन की कॉन्टोरिंग, ये काफ़ी अच्छा है। तो इसे हम अपने फेस की शेप को ठीक कर लेंगे और अच्छे से कॉन्टोर कर लेंगे अपने फेस को ताकि वाइट वाइट सा ना लगे हमारा फेस पूरा। अब नोज़ की कॉन्टोरिंग ज़रूर करें, चाहे आप कहीं और की ना ही करनी है अगर आपको, तो नोज़ ज़रूर कॉन्टोर करें। इसके बाद इन कलर का हाइलाइटर ले रही हूँ, ये काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है। तो ये पिंकिश कलर का हाइलाइटर है जिसमें मैंने जो शेड लिया है, तो मैं अपनी जो आईब्रो बोन्स है उसी को हाइलाइट कर रही हूँ। आप चाहो तो चीक्स को हाइलाइट और जो इनर और कॉर्नर आइज़ है उसको हाइलाइट कर लेंगे। तो ये एरिया आप हल्का सा हाइलाइट कर लोगे तो आपकी आइज़ काफ़ी अच्छी लगेगी समर्स में। और चीक्स को आप चाहो तो अगर दिन के टाइम पर है तो अवॉइड कर सकते हो। मैं भूल गई थी ब्लशर लगाना। अब मैं ये वेट एंड वाइल्ड का ही ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, मेलो वाइन, काफ़ी अच्छा पीचिश ब्राउन ब्लशर है। अब इसी के ऊपर मैं ये हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, तो दिन के समय आप इसे अवॉइड कर सकते हो, नाइट में हाइलाइटर आप ज़रूर यूज़ करें। तो इस तरीके से हम इसे अप्लाई कर लेंगे। लिपस्टिक में मैं यूज़ कर रही हूँ मिलानी की अमौर 22, ये काफ़ी ब्राइट लिपस्टिक है। इसको लगाने के लिए मैं सबसे पहले लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इस लिपस्टिक को अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ही ब्राइट और बहुत प्यारा शेड है और वाइट कलर के साथ समर्स में ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो ये है मेरा फाइनल लुक। तो इस तरीके से आप समर्स में बहुत सिंपल और इजी मेकअप लुक कर सकते हो। अगर आपने कोई वाइट कलर का सूट, वाइट टी शर्ट या कुछ भी पहना हो तो एक सिंपल आप इस तरीके से मेकअप कर सकते हो। मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आई होप आज की ये वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छी लगे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।